हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वर्ल्ड। सो आज की वीडियो है मेरी कुछ कुकिंग की। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक कुकिंग की बनाई थी, तो आज की भी मेरी कुकिंग की है। तो आज हम बना रहे हैं यमी यमी से मेरे फेवरेट पोटैटो कटलेट्स। सो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए पोटैटोस, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिकन डाल दी है, वो ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालें वरना स्किप कर दें। फिर हमने इसके अंदर डाले हैं चॉप अनियन, मतलब प्याज, नॉर्मल प्याज जो होता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है चिली, मतलब हरी मिर्चें, वो भी चॉप हैं। फिर हरी प्याज डाली है चॉप, और हरा धनिया, और बाकी वेजिटेबल्स ऑप्शनल हैं, अगर दिल करें तो डाल दें। इसके बाद मैंने ऐड करे हैं कुछ स्पाइसेस में आप देख सकते हैं कुटी लाल मिर्च, किसी भी लाल मिर्च, हरा धनिया, धनिया, जीरा पाउडर और नमक वगैरह। ठीक है, नमक ये सब डाल देंगे। और उसके बाद मेरे पास मौजूद है ये ब्रेड क्रम्स इसकी कोटिंग के लिए, और ये एग्स हैं ये भी कोटिंग के लिए। और इसके अंदर मैंने मैदा भी डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन मैं अभी जब मिक्स करूँगी तो मैं वो आपको दिखाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैंने इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए, जो जो मुझे पसंद थे मैंने वो डाल दिया। अब जो आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करे सारे स्पाइसेस, मतलब सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए एक साथ। आपको एक एक करके नहीं डालना, आप एक साथ डाल सकते हैं। और फिर ज़रूरी है कि हमें इसकी बाइंडिंग के लिए भी कुछ चाहिए होगा। सो बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है ब्रेड क्रम्स, जो मैंने कोटिंग के लिए भी यूज़ किया था। ये ब्रेड क्रम्स बहुत मैंने बारीक थे और मैंने घर में खुद ही बनाए थे, आप खुद भी बना सकते हैं, ये होता है। फिर इसके बाद मैंने ये ऐड किया है इसके अंदर मैदा, मैदा से भी इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है, क्योंकि प्याज है तो प्याज भी पानी छोड़ती है, इसीलिए हमें इसके अंदर बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ डालना था। एग ऐड नहीं करेंगे हम इसके अंदर, एग सिर्फ हमें इसकी कोटिंग के लिए ऐड करना है। ओके, और स्पून से अगर आपसे नहीं हो रहा, जैसे मुझसे नहीं हो रहा था, तो आपको अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया है। लेकिन हाथ आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, ये नहीं कि आपने गंदे संदे हाथों से कर लिया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ये मैंने आपको करीब से भी दिखा दिया कि सारी चीज़ें मर्ज हो गई। उसके बाद मैंने इसके ये कबाब बना लिए, और आप सोच रहे होंगे कि ये वाइट वाइट क्या है इसके ऊपर, वाइट वाइट ये है मैदा, मैदे की मैंने इसके ऊपर कोटिंग लगा दिया। अब मैदे के बाद मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी एग्स की, एग्स के बाद मैंने इसके ऊपर कोटिंग करी है ब्रेड क्रम्स की, मैं वो दिखाना भूल गई। एंड ये मेरे रेडी हो चुके हैं पूरे पोटैटो कटलेट्स, बहुत यम्मी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।